अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में टेंशन लेने के कितने नुकसान होते हैं। अगर आप छोटी मोटी टेंशन लेके बैठ जाती हैं तो इसका असर डायरेक्ट आपके फीटस पे पड़ता है। जैसे कि आप छोटी टेंशन ही लेती हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी कि बेबी बॉय होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि आपका ऑपरेशन होगा, या फिर आप किसी ट्रामा वगैरह से गुजरती हैं, तो ये छोटे मोटे जो आप टेंशन जहन में लेके बैठ जाती हैं इसका डायरेक्ट असर आपके फीटस पे पड़ता है। तो इसीलिए मैं बहुत ही डिटेल में आपके लिए ये वीडियोज़ बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल के बटन पे प्रेस कर लिया करें, जैसे हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको कोई टेंशन होती है या आप किसी ट्रॉमा से गुजरती हैं तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। एकदम आप किसी चीज़ पे रिएक्ट ना करा करें। अचानक से अगर आपको इतना कोई ट्रॉमा हो या टेंशन हो जाए तो आपका प्लेसेंटा का यूट्रस से जो कनेक्शन होता है वो टूट सकता है, जैसे सब क्रियोनिक हेमाटोमा कहते हैं। इस पर मेरी बहुत डिटेल में वीडियो बनी हुई है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं। आपके बेबी की हार्ट बीट ख़त्म हो सकती है, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप ऐसा कुछ यानी कि टेंशन लेती हैं, ऐसे किसी ट्रॉमा से गुजरती हैं, तो वक्त से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है, आपको पेन स्टार्ट हो सकते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर आपका फिर सीजरियन ही हो सकता है। अगर आपका ये वाले मसले हो जाए, आपका बीपी शूट कर जाता है, उस जिसे आपको प्रीक्लेम्सिया कहते हैं, उसके आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से जो है टाइम से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है, और फिर बेबी का वेट भी बहुत आपका लो होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप इतनी टेंशन ले लेती हैं ज़्यादा कोई, तो आपके बेबी की एकदम मूवमेंट जो है स्टॉप हो जाती है, इमरजेंसी केस करवाना पड़ जाता है आपको। बेबी बहुत ही वीक होता है तो उसको फिर नर्सरी में रखना पड़ता है और वो बेबी बार बार बीमार होता रहता है। तो प्रेगनेंसी में आप टेंशन ना लिया करें। अगर आप प्रेगनेंसी में टेंशन लेती रहती हैं तो बाद में अगर आपकी डिलीवरी हो भी जाती है तो बेबी बहुत सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बात पे बेबी जो है वो रोना स्टार्ट हो। कोशिश किया करें कि अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी लेके चला करें और ज़्यादा टेंशन ना लिया करें अपनी प्रेगनेंसी में। और मेरी उम्मीद होती है कि मैं आपको ऐसी वीडियोज़ जो है आपके लिए बनाऊँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं तो आप शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, कमेंट में ज़रूर बताया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो दुआओं में याद रखें और खुश रहें, अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी लेके चलें और टेंशन बिल्कुल ना करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपकी इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। तो दुआओं में याद रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।